उद्देश्य: वातावरण में मौजूद विविध घटकों, निर्माता, उपभोक्ता के आधार पर अन्न श्रृंखला का चित्र बनाना या तैयार करना। आवश्यक सामग्री, निरीक्षण तक्ता, जिन घटकों का निरीक्षण किया जा चुका है उनके चित्र। अन्न श्रृंखला की संकल्पना: अन्न ऊर्जा का निर्माताओं से उपभोक्ता तक स्थानांतरित होना, यह एक रेशीय अन्न श्रृंखला का उदाहरण है। इसमें खाना और खाए जाना, इन संकल्पनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। पद्धति: बच्चों, आपको यह प्रयोग अपनी कक्षा के अन्य 4-5 छात्रों के साथ मिलकर करना है। आप अपने स्कूल के पास का कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं या आपकी सुविधा के हिसाब से भी आप क्षेत्र चुन सकते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विविध जीव जंतुओं के नाम, उनकी एक सूची आप बना लें, जैसे मेंढक, गिरगिट, सांप इत्यादि। जब आप यह सूची बना लें तो आपको पोषण के स्वरूप के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है, अर्थात इनमें कौन पौधे हैं जो कि निर्माता है, शाकाहारी है यानी प्रथम उपभोक्ता, और मांसाहारी जो द्वितीय स्तर या अंतिम स्तर के उपभोक्ता है। अब आपको इन सदस्यों के बीच होने वाली आंतरिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। इनकी आपसी निर्भरता का भी आपको अध्ययन करना है। इस प्रकार जब आप इन जीवों को वे क्या खाते हैं इस तरतीब से लिख ले, आपकी अन्न श्रृंखला तैयार हो जाएगी। इसके साथ निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता, इन सारी श्रेणियों में कितने जीव आपको मिले हैं उनकी संख्या भी आप दर्ज कर ले। अब इन जीवों की संख्या को दर्शाने के लिए एक आप पिरामिड बनाए। ये बात तो साफ है कि पिरामिड की नींव में अधिक संख्या वाली श्रेणी ही होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह संख्या कम होती जाएगी। जिन जीवों का निरीक्षण आपने किया है उनके चित्र भी आप खोज लें और अन्न श्रृंखला बनाने के लिए उन्हें ठीक से चिपकाए। इस प्रकार आपके द्वारा बनाई गई इस अन्न श्रृंखला को संक्षेप में आप स्पष्ट करें। निरीक्षण: अन्न श्रृंखला की शुरुआत हरे संश्लेषक पौधे करते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक सौर ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे अन्न की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उपभोक्ता प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। प्रायः पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, इसी कारण वे पिरामिड की नींव के रूप में होते हैं। अगर इस अन्न श्रृंखला में से कोई भी कड़ी बिगड़ जाती है तो उसका असर सारी अन्न श्रृंखला पर होता है, और इसी कारण अन्न श्रृंखला की हर एक कड़ी का होना बहुत जरूरी है। तभी हम अन्न श्रृंखला की स्थिरता को बरकरार रख सकते हैं। निष्कर्ष: अन्न श्रृंखला से हम जीवों की एक दूसरे से आपसी निर्भरता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह जीव एक दूसरे पर अन्न के लिए निर्भर होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी, ये दोनों बातें कड़ियों का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी का संतुलन भी बिगड़ सकता है। Thank you.